धम्म पद गाथा क्रमांक 101, आज 10 जुलाई 2020। यह गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेत वन में रहते समय ही दारू चिरिय स्थविर के संबंध में कही थी। सहसमपि च गाथा अनथ पद संहिता एकं गाथा पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते थे। उस समय दारुचिरिय स्थविर के संबंध में ये गाथा बुद्ध कहते हैं। एक समय समुद्र में बहुत से लोग नाव से जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, और वो नाव समुद्र में टूट गई। अब उसमें से बहुत सारे लोग उस समुद्र में गिर गए, बहुत सारे लोग मर गए, केवल एक व्यक्ति बचा और वो टूटी नाव के तख्त के सहारे, टूटी नाव का जो तख्त था उसके सहारे सहारे वो एकदम सुपारक बंदरगाह के तट पर लग गया, वो तख्त के सहारे। और देखता है तो बंदरगाह पर आ गया, सुपारक नाम का बंदरगाह है, वहां पर आया, बच गया वो। और उतर कर देखता है तो उसके सारे कपड़े फट गए हैं और कुछ भी नहीं पहनने के लिए। तो उसने कुछ सूखे पेड़ के, सूखे वृक्ष के छाल को निकाला और लपेट लिया, वो पहनने लगा सूखे वृक्ष के साल को और रहने लगा वहां पर, सुपारक बंदरगाह के एरिया में रहने लगा। और धीरे धीरे वो गांव की तरफ चला गया। अब गांव के लोगों ने इसे देखा तो मानने लगी, ये बहुत पहुंचा हुआ साधु है, कपड़े नहीं पहनता है, कपड़े लोग लाकर देते वो नहीं पहनता। लोग उसको वंदना करने लगे, बड़े सम्मान से पूजा अर्चा करके खाना पीना देने लगे, कपड़े देने लगे, लेकिन वो कपड़े नहीं पहनता। वो सोचने लगा कि आज मेरी जो पूजा होती है ये मुझे अर्हत मान बैठे हैं, मुझे बहुत बड़ा साधु मान बैठे हैं, इसलिए ये मेरी पूजा कर रहे हैं। यदि मैं कपड़े पहनने लगूं तो ये मेरा सम्मान कम हो जाएगा, इसलिए उसने तय किया कि मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं पेड़ों की साल को ही, पेड़ों के पत्तों को ही पहनकर उससे वैसे ही मैं रहूंगा। ऐसा वो रहने लगा। लोग उसे बहुत पहुंचा हुआ अरहत मानने लगे, ये तो बहुत पहुंचा हुआ अरहत है, किसी बात की आसक्ति नहीं, कपड़े भी नहीं लेता है, जो कुछ खाना पीना देते वो खा लेता है। और इस प्रकार वो साधु संत का जीवन जीने लगा और अपने आप को वो अरहत मानने लगा। लेकिन एक दिन उसके एक पुराने, जिसे कहते हैं पुराण सालोहिता देवता, वो ब्रह्म लोक से एक देवता लोग, देवता उसका पुराना मित्र था, तो वो आकर उसने उसको कहा, आकाशवाणी से कहा कि अरे दारू चिरिया, तू तो अर्हत भी नहीं है,
तू अर्थ का रास्ता भी नहीं जानता है। तू ऐसा कर, अभी अर्हत सम्यक संबद्ध श्रावस्ती में है, तो वहां उनसे मिलने के लिए जा और अर्हत का मार्ग सीख ले। जब उसको ऐसा बताया गया तो वह जागरूक हो गया, वो जानने लगा कि सही में मैं अर्हत नहीं हूं। अब यह सालोविता देवता कौन है? तो ये एक बार सात लोग काश्यप बुद्ध के समय में ये भिक्षु बने थे और सातों लोग प्रयास कर रहे, लेकिन उनको कुछ फल की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसलिए सातों लोगों ने ऐसा तय किया कि चलो हम पर्वत पर जाकर रहेंगे और वहां जाकर अच्छा ध्यान करेंगे। तो ये सात मिलकर, सातों लोग मिलकर एक ऊंचे पर्वत पर चले गए और उन्होंने कहा, देखो जिसको आसक्ति हो वो न आए, जो अनासक्त हो वो पर्वत पर हमारे साथ चढ़े, आसक्ति वाला व्यक्ति ना आए। तो सभी सातों लोग चढ़ गए, हम अनासक्त है, हमें कोई आसक्ति नहीं है। सातों चढ़ गए और चढ़ने के बाद उन्होंने वो सीढ़ी तोड़ के फेंक दी कि उतरने का रास्ता ही खत्म। और वहां जाकर वो अभ्यास करने लगे पर्वत पर। अभ्यास करते करते उनमें से एक जो था वो एक व्यक्ति अर्हत बन गया, और अर्हत बनते ही वो उत्तर कुरु में जाकर अर्हत के बल से वहां से पिंडपात करके आता है। पिंडपात लाया, उसने खाया, लाकर सबको देने का प्रयास किया कि आप सभी खा लो, तो कहने लगे हम नहीं खाएंगे, जैसे आपको फल प्राप्ति हुई वैसी फल प्राप्ति हमें हो तो ठीक है, फल प्राप्ति न हो तो हम नहीं खाएंगे, हम भी आपके जैसा फल प्राप्त करेंगे, हम नहीं खाएंगे। उन्होंने नहीं खाया, इन्होंने अकेले नहीं खाया। फिर दूसरे दिन वो दूसरा एक अनागामी हो गया और उसने भी लाया भोजन, तो उन्होंने कहा ना हम नहीं खाएंगे, जब तक हमें फल नहीं मिलता हम नहीं खाएंगे। और इस प्रकार ये दोनों को तो फल मिला, लेकिन दूसरों को फल नहीं मिला। तो वहां पर वो ऐसे ही रहते रहते बिना खाए पिए वो सूख गए, और खाना नहीं कुछ नहीं, अभ्यास करते करते मर गए। और मरकर ये लोग देवता लोक में उत्पन्न हो गए। और उसके बाद वो जो अर्हत वगैरह अर्हत थे वो तो अर्हत बने, लेकिन अनागामी जो था, वो अनागामी जो उनका मित्र था, तो वो अनागामी उसके बाद वो अर्हत बनता है। अनागामी आकर इनको बताता है दारू चिड़िया को, और जब ये दारू चिड़िया ने सुना तो बाद में जाने निकलता है। उनमें से इस बुद्ध के काल में ये सब पैदा हुए, उनमें से एक दारू चिड़िया एक था, और उन्हीं में से एक था कुमार काश्यप, वो भी अर्हत हुआ बुद्ध के काल में, इस गौतम बुद्ध के काल में अर्हत हुआ। दूसरा था पुकुस साती, वो राजा बन गया है, और एक था दब मल्ल पुत्र, और एक था सभी का परिव्राजक, और ये दारू चीरी है। ऐसे ये लोग मित्र थे। तो इस बुद्ध के काल में ये दारू चीरियों को उनकी वो पुराने मित्र ने आकर बताया कि तुम जाओ, तो ये दारू चिड़िया ये सुपारक से निकलता है और निकल कर जाकर श्रावस्ती में पहुंच जाता है पूरा चलकर, बड़ा लंबा रास्ता, समय भी उसे लगा लेकिन वो गया, और जाकर बड़ा थका मंदा है, जाकर वो श्रावस्ती के विहार में गया जतवन में, और पूछने लगा बुद्ध कहाँ है, बुद्ध कहाँ है। तो संघ के लोगों ने बताया कि बुद्ध तो पिंडपात के लिए गए हैं, वो आएंगे अभी नहीं है यहाँ पर, कहाँ गए मुझे बताओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे बुद्ध से मिलना है, बताओ। तो उन्होंने बता दिया कि बुद्ध तो श्रावस्ती के शहर में पिंडपात के लिए गए हैं,
वहां वो चला गया और बुद्ध पिंडोपात के लिए जा रहे थे। ये जाकर एकदम बुद्ध के पैर पकड़ा, बुद्ध के पैर पर उसने वंदना किया और बुद्ध को कहने लगा, भगवान मैं सुपारक्ष आया हुआ हूं, मुझे आप धम्म सिखाइए। बुद्ध कहते कि नहीं, यह धम्म सिखाने का वक्त नहीं है, मैं तो चारिका में पिंडों का पात के लिए निकला हूं, यह वक्त नहीं है। फिर वो कहता, नहीं भगवान मुझे सिखाइए, मैं बहुत दूर से आया हूं भगवान मुझे सिखाइए। तो बुद्ध कहते नहीं, और वो आग्रह करने लगा। तो तीन बार उसने आग्रह किया, बुद्ध के पैर पकड़ा, भगवान मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, आप सिखाइए। बुद्ध ने देखा उनके जीवन को, लगा इतने लंबे से आया हुआ है, थका मंदा है, बहुत श्रद्धा है, और फिर तथागत बुद्ध ने एक ही लाइन में धम्म उसको सिखा दिया। एक लाइन बुद्ध ने कही, दिठो दिठ मत्तं भविष्यति। एक लाइन सुनकर, क्योंकि उसकी पारमिता थी, एक ही शब्द सुना उसने, एक ही लाइन सुना, और लाइन सुनकर उसको एक शरीर में प्रीति संवेदना होने लगी, आनंद उभर आया, और वो उसी समय उसी लाइन को जानकर समझकर, उसकी पुरानी पारमिता भी थी, उसकी वजह से वो वहां पर अरहत्व का पद लगभग उसने हासिल किया, अरहत बन गया। और फिर बुद्ध को कहता है कि भगवान मुझे प्रव्रजित करिए। तो बुद्ध ने कहा, प्रव्रजा के लिए तो चीवर लाना पड़ता है, चीवर पात्र ढूंढ के ले आओ। तो वो गया, चीवर पात्र लाऊंगा। इस दृष्टि से वो जाता है चीवर पात्र खोजने के लिए, लेकिन जाते जाते रास्ते में एक विभस्त गाय ने, एक गौ ने उनको मार दिया और वो मर गया। अब वो मरने के बाद उसकी बॉडी ऐसी ही कूड़े के ढेर पर फेंकी हुई मिली। दूसरे दिन जब बुद्ध जाते हैं तो देखते हैं कि अरे कूड़े की ढेर पर ये जो बॉडी है, ये तो वही सुपारक की बॉडी है। बुद्ध ने भिक्षु को कहा कि बॉडी को उठा लो, ये अर्हत हुई है। बुद्ध ने कहने के बाद भिक्षु ने उस बॉडी को उठा लाया और उठाकर इसका सम्मान पूर्वक उसका क्रिमेशन करो और सैत्य बनाओ, स्तूप बनाओ इस पर, क्योंकि वो अरहत की बॉडी है। अरहत हुए वो सारी, वो सुपारक। तो ये सुपारक वो महाराष्ट्र से थे, आज उसे नाला सुपारा कहते, सुपारा कहते। वो सुपारक बंदरगाह उन दिनों कश्यप बुद्ध के काल में सुपारक बंदर नाम से उसका नाम था, आज उसे सुपारा कहते हैं, नाला सुपारा। तो उस समय जब ये उनके बॉडी को उठाकर स्तूप बनाने के लिए बुद्ध ने कहा, और तब उनको उद्देश्य से तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही, सस्मपीच गाथा अनथ पद संहिता एकं गाथा पदं सेयो यं सुत्वा उपसंमति। यानी हजार गाथाएं बोलते रहे, सुनते रहे, तो उससे कभी कभी कोई लाभ नहीं होता है, लाभ होता है कभी नहीं भी होता है, लेकिन कभी कभी एक ही गाथा से, एक ही पद से किसी व्यक्ति को पुण्य पारमिता के बल से भी बहुत लाभ हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, एकं गाथा पदं सेयो यं सुत्वा उपसंमति। यानी एक ही गाथा कभी कभी श्रेष्ठ होती है, जो हमारे में उस उपशमन को निर्माण करे, हमारे में वैराग्य को निर्माण करे, हमारे में वो उस प्रकार के भाव को निर्माण करे,
तो एक ही गाथा एक ही पद कभी कभी कल्याणकारी होता है। ये बात तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में दारुचिरिय स्थविर के संबंध में कही है। आप सब कुछ प्रेरणा लेवे, आप सबको सुख शांति मिले, आप सबको निरोगी जीवन मिले, यश वैभव मिले, सुखी शांति मनुष्य जीवन आप जीते रहे, कल्याण हो आप सभी का। सद्धर्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदवंत राहुल गोदी महाथेरू।